की ज्ञानवापी के बाद अब भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर मामला गरमाया। संस्कृति बचाओ मंच का दावा, मस्जिद के नीचे शिव मंदिर। मंदिर के सर्वे को लेकर गृह मंत्री को सौंपा ज्ञापन। मस्जिद का सर्वे कराने कोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका। संस्कृति बचाओ मंच ने आज माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और भोपाल राज्य की शासिका कुदेसिया बेगम ने हयात कुदसी में, जो कि उनकी आत्मकथा है, उसमें जिक्र किया है कि यहाँ की जामा मस्जिद का निर्माण 1832 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1857 ईस्वी में पूर्ण हुआ। उसमें उस समय 5 लाख रुपए की राशि लगी थी और उन्होंने इसमें यह भी जिक्र किया कि यहाँ पर एक खंडहर नुमा शिव मंदिर था जिसको कि तोड़कर इसका नाम से जाना, सभा मंडप के नाम से जाना जाता था। जब वो स्वयं अपनी आत्मकथा में ये वो लिख रही हैं कि इसमें जो है यहाँ शिव मंदिर था, हम पुरातत्व विभाग से ये मांग करना चाहते हैं, माननीय गृह मंत्री जी से हमने यही मांग करी है, मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करते हैं कि जितने भी आताताइयों ने हमारे मंदिरों को ढहाकर और मस्जिदों का निर्माण किया है, वहाँ पर जो है वो वापस हमारे मंदिरों को, धर्म स्थलों को, हिंदू समाज को सौंपना चाहिए। इसके लिए हम ठीक 12:30 बजे कोर्ट में जा रहे हैं और हम अपनी याचिका भी संस्कृति बचाओ मंच दायर कर रहा है, और जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। बाकी हम मुस्लिम धर्मावलंबियों से ये निवेदन कर रहे हैं कि अगर ये धर्म स्थल है तो बूत पूजा आपका निरर्थक है, बूत पूजा पे आपकी इबादत जो है स्वीकार नहीं की जाती, इसलिए हमारे धर्म स्थल को हमें सौंपा जाए तो यह सहर्ष स्वागत योग्य होगा। क्या सबूत है आपके पास जो इस तरह दावे? सबूत तो हमको पेश जो करना है वो कोर्ट में हम पेश करेंगे और जो आपके सामने प्रस्तुत किए वो एक क्षणिक मात्र है, बाकी आपके सामने सबूत जो है वो हम कोर्ट में पेश करेंगे। जांच का विषय अभी तो जांच भी नहीं बोला भी। देखिए जांच माननीय गृह मंत्री जी से हमने निवेदन किया, वे जांच कराएंगे, बाकी हम कोर्ट में जा ही रहे और कोर्ट अगर सरकार की तरफ से निर्णय नहीं होता तो कोर्ट की तरफ से आदेश जारी होगा। पुरातत्व विभाग से कुछ बात हुई क्या इसका? नहीं, हम तो कोर्ट के माध्यम से और हम सरकार के माध्यम से, माननीय गृह मंत्री जी ने वो संज्ञान में लेंगे और वो पुरातत्व विभाग को अगर आदेश करेंगे तो उचित, और नहीं तो वैसे हमको उम्मीद है कि माननीय गृह मंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि वो सभी बातों को निर्भकतापूर्वक सुनते हैं और हमारा निर्णय भी उनके तक पहुँचा दिया है हमने, बाकी नहीं तो हम कोर्ट के शरण तो ले ही रहे हैं।